नमस्कार, एक नए क्रोशे के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ये लूप शॉल करना सिखाऊंगी। ये बहुत बड़ा ऊन है, XXL साइज़ है इसकी, और बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बनने वाली शॉल मैं आपको आज सिखाऊंगी। मोटी ऊन है ये, बहुत ही बड़ा धागा है मतलब इसका। तो इसको मैंने कैसे बनाया है और कौन सा ऊन इस्तेमाल किया है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने इस्तेमाल की है ये वुल एंड द गैंग वाली ऊन, क्रेजी सेक्सी वुल है ये, और 100% ऊन है इसमें, मेड इन पेरू, पेरू में बनाया हुआ, और 12 नंबर की सुई से इसको बुना जाता है। मैंने भी 12 नंबर की सुई से बुना है। बहुत ही गाढ़ी ऊन आप अगर देख सकता है, बहुत ही मोटी ऊन है ये, मोटा धागा है। और जैसे आप देख सकते हैं, मैं बीच में से धागा निकाल लेती हूँ। मेरे पास पहले ही नापने का फीता है, मेरे पास 60 सेंटीमीटर में इसको बुन लूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इस तरीके से मैंने धागा बांध दिया। फिर से मैं दिखाती हूँ आपको कि धागा मैंने कैसे बांधा। इस तरीके से हाथ में लिया, इसको ऐसे पलटा, सुई निकाल दी, धागा ले लिया और इस तरीके से धागा बांध दिया। तो मैं इसको बुनती जाऊंगी। अब मुझे इसको गिनकर देखना है, ये इतना बड़ा हो चुका है, पर मुझे इसको गिनकर देखना है ये है 60 सेंटीमीटर या नहीं। पर मुझे सबसे ज़्यादा मैंने कितने बुने हैं वो देखना है, क्योंकि मुझे उसके लिए सम संख्या चाहिए। तो अब मैं इनको गिनूंगी, सारे धागों को। अब मैं जब गिन रही हूँ तो मैंने देखा कि ये 41 है, तो मुझे एक और ज़्यादा मैंने बुन लिया उसके लिए। और अब मैं उसमें देखूंगी कि मैंने 41 मतलब 42 अभी कर लिए हैं। पर मैंने इसको सम संख्या में नहीं बताया, मैंने इसको सेंटीमीटर में बताया था ताकि आपको ध्यान में आए कि ये कितना बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे रख दूंगी और ये देखूंगी कि इसमें कोई ये उल्टा ना पड़े, इसमें कोई रोटेशन ना है, कुछ आड़ा टेढ़ा ना हो। तो अब मैंने ये देख लिया है और मैं इसको गोल इस तरीके से कनेक्ट कर लूँगी, एक दूसरे से बांध दूँगी। तो सीधा करने के बाद मैंने ये देखा और इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है। ये देखिए, ये गोल आकार बिल्कुल हो गया है मेरा इस तरीके से। और अब मैं बुनाई की शुरुआत करूंगी। मैं 3 टाके ले लूंगी ऊंचाई के लिए और 1 दूरी के लिए। और फिर उधर से 1 टाका लेके इस तरीके से मैं बुनना चालू कर रही हूँ। तो ये बुनना चालू किया मैंने, जैसे आप देख सकते हैं। नीचे का एक धागा छोड़ के मैं अगले धागे में बुनती जा रही हूँ, इसीलिए अब ये बीच बीच में ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि होल्स आ चुके हैं, उसकी वजह से है। पूरा मैंने 1 राउंड बुन लिया और अब मैं फिर से आगे बुनने जा रही हूँ और ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। ऐसे बुन लिया, धागा निकाल दिया, फिर से
आगे मैं कैसे बुनूंगी ये बस आप देखते जाइए। आप जब देखेंगे आपको जब पता, मैंने पहले जैसे किया था वैसे ही किया, तीन धागे ले लिए ऊंचाई के लिए, फिर एक दूरी के लिए, इधर मैंने बुनाई शुरू की, फिर से एक बुनाई कर दी, धागा लेके नीचे के होल में डालकर फिर से बुनाई शुरू कर दी। ये आप अगर देखेंगे तो इसी तरीके से आप आगे बुनते जाएंगे और बहुत ही सिंपल पैटर्न है। आप अगर ये वीडियो भी देखेंगे, आसान है बुनना। एक बार आपको बुनाई समझ में आ गई तो आप इसी तरीके से बहुत आसानी से बुन सकते हैं। तो ये पूरा मैंने इस तरीके से राउंड बुन लिया और मैं फिर से आगे इसी तरीके से बुनती जा रही हूं, एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और बुनाई वही है जैसे मैंने पहले बुना वैसे ही मैं आगे ही बुनते जाऊंगी और पूरी शाल इसी तरीके से मैं बुन लूंगी जब तक कि मेरा ऊन खत्म नहीं हो जाता। तो ये देखिए, ये पूरी शाल मैंने बुन ली है और ये ऐसे स्क्वायर आकार में ही हो गई है। इतनी ऊन है मेरे पास अब बची हुई, इससे मैं आगे नहीं बुन सकती, तो इस तरीके से ये शाल बुन के ख़त्म हो गई है। आप देख सकते हैं ऊन, धागा बहुत ही मोटा था तो ऊन भी बहुत अच्छी हो गई है और 31 सेंटीमीटर की शाल हो गई है। ये बहुत मोटी ऊन थी इसलिए बहुत ही गर्म रहेगी और मैं अब इसको बुनाई से पूरा बंद कर दूंगी, लॉक कर दूंगी जहाँ पे मैंने बुनाई ख़त्म की थी। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ऊन काट दी, इस तरीके से धागा निकाल दिया और इसको लॉक करना है, इसको भी लॉक कर दूंगी मैं जहाँ से बुनाई शुरू की थी। तो इस तरीके से मेरी शाल बहुत ही सुंदर, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ये दिखाने के लिए ये कि ये कैसे दिखेगी जब आप इसको पहनेंगे। अब मैं इसको गिनती हूँ, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये 4 परते आपके गर्दन के आजू बाजू में आ जाएंगी, बहुत ही सुंदर। तो मुझे आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको ये तरकीब कैसे लगी बुनाई की, आपको ये शाल कैसे लगी। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपकी पसंद नापसंद और आगे आप क्या देखना चाहेंगे, ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे।